SRM टुडे शहर की आवाज। विगत 9 अक्टूबर को शहर में दिन दहाड़े हुए सनसनीखेज युवराज हत्याकांड में पुलिस लापरवाही बरत रही है, जो मामले में हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपियों को पकड़कर इतिश्री कर लेने से साफ देखी जा सकती है, क्योंकि पुलिस अब तक मुख्य साजिशकर्ता तक नहीं पहुंच पाई है। एक समय था जब मंदसौर शहर शांति का टापू कहलाता था, लेकिन लगातार बढ़ते अपराधों के कारण शहर में शांति व्यवस्था भंग होती जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, शहर में एक के बाद एक हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा है। इन हत्याकांडों के पीछे जो सफ़ेद कॉलर वाले लोग हैं, उनके ऊपर शिकंजा कसने में पुलिस अब तक नाकाम नजर आ रही है। इस साल की शुरुआत में 17 जनवरी को नगरपालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार की हत्या हुई, जिसके बाद 10 अप्रैल को अनिल सोनी की हत्या हुई और अब 9 अक्टूबर को इसी महीने युवराज सिंह चौहान की हत्या हुई। इन सब हत्याओं के पीछे की गुत्थी पुलिस अब तक सुलझा नहीं पाई है। सरदार कुणाल श्रीवास्तव व नाहर से गौंड ने बताया कि युवराज हत्याकांड के बाद पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपियों को पकड़ा, लेकिन मुख्य साजिशकर्ता अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जो अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं, जिससे पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इसीलिए पुलिस को हत्याकांड के पीछे छिपे सफेद कॉलर वाले लोगों को पकड़ कर मामले का खुलासा करना चाहिए, जिससे कि हत्याकांडों पर रोक लगाई जा सके। माइनर ए प्रतिबंधात्मक तीन संसद में 9 तारीख को युवराज हत्याकांड हुआ था, इस बारे में क्या कहना? युवराज सिंह जी, जो हत्याकांड जो मंदसौर में हुआ था, जिसके पुलिस ने 3 आरोपी पकड़े भी है, और जो मुख्य आरोपी वो आज तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है, और मंदसौर में पुलिस के मतलब इतनी लापरवाही देखी जा रही है, इतने हथियारों के साथ लड़के जो है मंदसौर में घूम रहे हैं, पर पुलिस का कोई वो नहीं है, और जो लोग हेलमेट और ये नहीं पहन के घूम रहे, पुलिस उनको पकड़ रही है। पुलिस का ध्यान इधर की साइड, और जो हथियार और ये लेकर घूमते हैं उनके तरफ पुलिस का बिल्कुल ध्यान नहीं है। युवराज सिंह जी हत्याकांड में अंडर ब्रिज के यहाँ जो हत्या हुई, उसमें 3 बदमाशों ने हथियार बांध उनको गोली मारी, उसके बावजूद भी पुलिस उनको दूसरे दिन इंदौर से तोक के लाई। कहाँ गए थे जब? क्या तुम तुरंत उनको पकड़ नहीं सके? और ऐसे कई लोग हैं उसमें मिले हुए, जिनको पुलिस सामने नहीं ला रही है, ना मुख्य आरोपी पकड़ में आ रहा है, ना सफ़ेद
नकाब उसमें पकड़ में आ रहे हैं, ऐसा कई लोग हैं उसके उस हत्या के पीछे। क्या ऐसा कोई बड़ा राज है उसके पीछे, क्या मानते हैं? इसके पीछे एक बड़ा राज है, ना तो केबल की लड़ाई है ना कोई दूसरी लड़ाई है, इसके पीछे एक बड़ा राज छुपा हुआ है जिसको पुलिस और ये सफ़ेद नेता लोग उसको बाहर नहीं आने देंगे। जैसे दादा वाले केस में हुआ और यही अनिल सोनी वाले केस में हुआ, उसी केस को दबाने के लिए सारा षड्यंत्र रचा जा रहा। शहर में जो गोलियां चालन जैसी घटना आ रही है, पहले नगर पालिका अध्यक्ष, उसके बाद अनिल सोनी, उसके बाद युवराज सिंह हत्याकांड हुआ, क्या कहना है आपका? जिस तरह से मंदसौर जिले में कमलेश जैन हत्याकांड हुआ, उसके बाद वीरेन ठन्ना, उसके बाद प्रहलाद जी बधवार, उसके बाद अनिल जी सोनी, उसके बाद युवराज सिंह चौहान की हत्याएँ, जो शहर में मंदसौर शहर जो बाबा पशुपतिनाथ की शांत नगरी मालवा क्षेत्र के अंदर एक अपनी अलग ही पहचान बनाए रखे हुए था, पर आज मंदसौर ज़िले के अंदर यहाँ के रहवासी जिलावासी यहाँ पर व्यापार करने में, कोई से भी प्रॉपर्टी खरीदने में अपने आप को डरा सा महसूस कर रहा है। इसके मुख्य कारण ये हैं कि जो लगातार हत्याएं जो शहर के अंदर हो रही है, इसके पीछे इन लोगों का संरक्षण मिल रहा है। जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो खाकी वर्दी के अंदर भी कुछ लोग इन अपराधियों को सहयोग करते हैं, पुलिस कप्तान जो मंदसौर शहर में भी वर्तमान में हितेजी चौधरी हैं, बहुत ही ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से उनसे निवेदन करूंगा कि वह इसकी तह तक जाएं और इन हत्याओं के पीछे जो भी षड्यंत्रकारी रहे हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करें, और मुख्य रूप से जो भी आरोपी पाया जाए, एक दो इनकाउंटर मंदसौर शहर के अंदर हो जाएंगे अपराधियों के, तो यकीनन ये हत्याएं रुक जाएगी। अन्यथा बदमाश गुंडे जो हत्याएं कर रहे हैं वो बेखौफ मंदसौर की जनता की ऐसे ही हत्या करते रहेंगे, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। संवाददाता विपिन चौहान के साथ SRM टुडे मंदसौर। SRM टुडे, शहर की आवाज़।